हाय गाइस, वेलकम अगेन, वेलकम टू लाइफ साइट विजिट। मैं रवि शिष्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करूँ आपके अपने चैनल लाइफ साइट विजिट के अंदर। सबसे पहले आज रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि इसी से हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगी। तो गाइस, आज हम आपको लेके आए हैं मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन की तरफ। जी हाँ, ओमैक्स फेस वन न्यू चंडीगढ़। अभी जो लोग पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं या न्यू चंडीगढ़ की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ओमैक्स फेस वन एक मोस्ट प्रीमियम एरिया है आप कह सकते हो, ठीक है, न्यू चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ पीजीआई से हार्डली 6 to 7 किलोमीटर के डिस्टेंस के साथ आप यहाँ अप्रोच कर सकते हैं। 200 फिट के हाईवेज हैं, ठीक है, मध्य मार्ग, दक्षिण मार्ग और एयरपोर्ट रोड, तीनों की कनेक्टिविटी यहाँ पर ईजिली आपको लेके आ सकती है। देन फेस वन की खासियत क्या है? फेस वन के अंदर ऑलरेडी क्लब हाउस ऑपरेशनल है, मार्केट फुली ऑपरेशनल है, फैमिलीज काफ़ी टाइम से यहाँ पे स्टे कर रही हैं और पूरा गेटेड कॉम्प्लेक्स आप इसको कह सकते हो। 24/7 सिक्योरिटी, पावर बैकअप, वाटर सप्लाई आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल पा रही है। और गाइस, अगर आज बात करें हम इस लोकेशन की, आज हम लेके आए हैं आपको एक 400 गज के विला की विजिट के ऊपर। जी हाँ, 400 स्क्वायर यार्ड का विला आज आपको शो करने वाले हैं, जो कि 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट रूम प्लस लिफ्ट के साथ आज आपको शो करेंगे। अगेन इस लोकेशन की अगर बात करें, हार्डली इस लोकेशन से लेफ्ट हैंड साइड में हार्डली 250 से 300 फिट के डिफरेंस पे आप कह सकते हो कि आपको एक अमेजिंग पार्क मिलने वाला है। जी हाँ, काफ़ी अच्छा लश ग्रीन पार्क यहाँ पे डेवलप किया गया है, जिसको हम नेचर पार्क या फ्रूट गार्डन के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। इसी के बिल्कुल ओपोजिट साइड अगर हम जाएंगे तो अपने को क्लब हाउस मिल जाएगा, राइट हैंड साइड पर अगर हम जाएंगे तो मार्केट अपने को इस एरिया की मिल जाती है। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं विला की तरफ। सबसे पहले पूरी कंक्रीट की रोड्स हैं ओमैक्स की, यहाँ पे 40 फीट की रोड के ऊपर ईस्ट फेसिंग विला है ये, और ये 8 to 9 फीट की बाम आ जाती है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एलिवेशन दी गई है इस विला की, मलबरी विला की ही ये कैटेगरी है। मलबरी विला में यहाँ पे 265 गज, 300 गज, 400 गज और 500 गज या 650 गज की ऑप्शंस यहाँ पे कंपनी ने दी थी, तो उसी में से ये 400 की एक ऑप्शन आज हम आपके लिए लेके आए हैं। अभी इस प्रॉपर्टी का रिसेंटली पोजेशन हुआ है, लाइक 1 से 1.5 महीना पहले, तो आप इस अमेजिंग प्रॉपर्टी को अपना बना सकते हैं, सबसे पहले शिफ्ट कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे ही हम एंटर करेंगे, सबसे पहले आयरन डोर आता है जो कि स्लाइडर के साथ रहने वाला है, जो कि आपको एक ईजी एक्सेस देता है आपकी पार्किंग के लिए। यहाँ पर आप इजिली 2 से 3 गाड़ियाँ पार्क कर सकेंगे, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खुला डुला एरिया दिया गया है। देन इसी के साथ में आप सामने देख सकते हैं आपका सर्वेंट रूम दिया गया है, क्योंकि आपके सर्वेंट को घर के अंदर एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से बाहर एक्सेस ले पाएंगे। सामने देखते हैं तो काफ़ी अच्छा एक आपको ग्रीन एरिया मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे साइज के अंदर यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ग्रीन एरिया डिवेल्प कर पाएंगे, अपना लोन एरिया डिवेल्प कर पाएंगे। देन उसके साथ ही आप देख सकते हैं प्रॉपर इटालियन मार्बल वर्क किया गया है फ्लोरिंग के अंदर, 8 फीट का वुडन डोर अपने को मिल जाता है। तो आइए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अंदर चलते हैं। तो गाइस, जैसे ही हम इस विला के अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले लिफ्ट लॉबी आ जाती है। जी हाँ, लिफ्ट लॉबी आप देख सकते हैं, लिफ्ट ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। अगर आपके घर के अंदर कोई बुजुर्ग हैं, ठीक है, वो फर्स्ट फ्लोर पर रहना चाहते हैं या टॉप फ्लोर की तरफ जाना चाहते हैं, तो ईजिली एक्सेस उनको मिल पाएगा, इसीलिए लिफ्ट आजकल हर एक घर की प्रेफरेंस रहती है। अगर 300 गज से बड़ा कोई घर देख रहा है तो लिफ्ट की डिमांड बिल्कुल हमारे पास आती है, तो ये प्री इंस्टॉल्ड लिफ्ट आपको मिलने वाली है। देन यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे डायरेक्ट एक्सेस आ जाता है अपना ड्राइंग एरिया का। जी हाँ, काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग एरिया आपको मिल जाएगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉपर इटालियन वर्क किया गया है। फॉल सीलिंग की बात करेंगे तो फॉल सीलिंग आपको कम्प्लीट मिलने वाली है, शैंडलियर आपको मिलने वाला है, लाइट फैन एसी, जी हाँ लाइट फैन एसी, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी घर की, वो आपको प्री इंस्टॉल्ड इस घर के अंदर मिलने वाली है। और यहीं से अगर बात करें ड्राइंग एरिया के साथ से ही आपको एक्सेस मिल जाता है यूपीवीसी सेक्शन डोर्स के थ्रू आपके लोन एरिया का, फ्रंट एरिया का आप यहाँ से भी एक्सेस ले सकते हैं, देन मेन गेट से भी एक्सेस ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लाइटिंग एसी फैन आपको प्री इंस्टॉल्ड पूरे विला के अंदर मिलने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस एरिया आ जाता है। उसके साथ में ही आप सेकंड कटआउट देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका स्टेयर केस आ जाता है, यहाँ पे भी आप काफ़ी अच्छी अपनी डेकोरेशन कर पाएंगे अपने अकॉर्डिंग, अपना कुछ स्टोरेज का या शू रैक वगैरह आप यहाँ पे बना सकते हैं।
काफ़ी अच्छा एरिया आपको स्पेशियस मिल जाता है और लाइट और वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस साइड से भी आपको प्रॉपरली लाइटिंग मिल रही है, देन फ्रंट साइड से भी आपको काफ़ी अच्छी लाइटिंग मिल रही है। देन गाइस इसके बाद बात करें, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो गाइस अभी हमने यहाँ से ड्राइंग रूम से एंट्री ली है अपनी, एक डायरेक्ट एक्सेस विदाउट ड्राइंग रूम अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो मेन गेट की तरफ से आप इधर से भी एंटर कर पाएंगे। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे फैमिली लॉन्च कम डाइनिंग एरिया के अंदर, जो कि बहुत स्पेशियस एरिया है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्पेशियस एरिया आ गया, और बिल्कुल ओपोजिट अगर बात करूँ अगेन यहाँ पर आप अपना बहुत अच्छा डाइनिंग एरिया सेटअप कर पाएंगे। 8-10 सीटर डाइनिंग टेबल आप ईजिली लगा पाएंगे यहाँ पर। यहाँ भी लाइट फैन एसी आपको प्रॉपर दिए जा रहे हैं। और सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे हमने डायरेक्ट एक्सेस ली हमारे इस डाइनिंग एरिया की तरफ, तो आप देख सकते हैं डबल हाइट कटआउट आपको मिल जाता है। अगेन लाइट और वेंटिलेशन के लिए यूपीवीसी विंडोज दी गई हैं अपने को, और साथ में डबल हाइट की आपको एंट्रेंस मिल जाती है आपकी इस लॉबी के अंदर। शैंडलियर काफ़ी अच्छा यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, फुल स्लीव लाइटिंग काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। एक लाइट वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा कटआउट एरिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन उसके साथ में ही इस कॉमन एरिया की के एक्सेस के साथ आपको मिल जाता है कॉमन वॉशरूम, पाउडर रूम आप कह सकते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं एक स्पेशियस पाउडर रूम आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर भी कंप्लीट सैनिटरी फिटिंग्स ऑफ टॉप ब्रांड आपको मिल जाएंगी। देन फैन ऑलरेडी लगा हुआ है, टाइल वर्क वॉल टू वॉल हो रखा है, लाइट वेंटिलेशन के लिए विंडोज हैं। देन गाइस अभी हमने देखा हमारा कॉमन वॉशरूम, पाउडर रूम। इसके बाद जैसे हम ही हम फैमिली लॉन्ज और डाइनिंग का डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे भी आपको अच्छा स्टैंडर्ड जैसे मैंने आपको शो किया, लाइट फैन एसी सब कुछ कंप्लीट मिलने वाला है। देन इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है हमारे घर का मेन पार्ट, किचन। जी हाँ, किचन को आप देख सकते हैं इस वुडन वर्क के साथ बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। यहाँ पे आप काफ़ी अच्छी डेकोरेशन कर सकते हैं, प्लांट्स वगैरह रख सकते हैं, ठीक है, नेचर के करीब रहने के लिए। देन उसके बाद बात करते हैं हम, हमारा आता है ये पूरा फुली मॉडर्न किचन। जी हाँ, डबल सिंक के साथ आपको किचन मिलने वाला है, ग्रेनाइट वर्क काफ़ी अच्छा किया गया है। देन आपको ये पूरे कैबिनेट्स बना के दिए जा रहे हैं, गीजर ऑलरेडी इंस्टॉल करके दिया जा रहा है आपको इस मॉडलर किचन के अंदर, सारे कैबिनेट बने हुए हैं, चिमनी होब साथ में दी जा रही है। देन एल शेप के अंदर पूरी किचन आपको मिल जाएगी। इसके साथ में ही गाइस किचन के साथ में आपको जो मैंने स्टार्टिंग में शो किया था सर्वेंट रूम, यहाँ पे सर्वेंट रूम दिया गया है, साथ में उसका वॉशरूम दिया गया है कि सर्वेंट बाहर से बाहर आके आपका किचन वर्क करके अपने रूम के अंदर रेस्ट कर पाएगा, उसको घर के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम यहाँ से इसको पार्टीशन क्लोज कर देंगे। ये इन फ्यूचर आप प्रोविज़न कर सकते हैं। यहाँ भी लाइट और वेंटिलेशन के लिए आपको यूपीवीसी विंडोज़ दी गई हैं, जो कि काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हैं। देन गाइस उसके बाद बात करते हैं हमारे बैकयार्ड की। जी हाँ, बैकयार्ड के लिए भी आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है हमारे डाइनिंग एरिया से, फैमिली लॉन से। यूपीवीसी सेक्शन डोर्स दिए गए हैं, काफ़ी अच्छा एक काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ बैकयार्ड का। आपको पता है अभी बरसातों का टाइम है, ठीक है, तकरीबन 1.5-2 महीने से इस घर का पोजेशन हुआ है, तो अभी कोई भी फैमिली शिफ्ट नहीं की है, इसीलिए यहाँ पे आपको थोड़ा मेंटेन कराना पड़ेगा, वो भी हम आपको करवा के दे देंगे, कोई इशू नहीं है, आपको अल्टीमेट विला मिलेगा ये। देन गाइस अभी आ जाते हैं हमारे बेडरूम्स की तरफ। जी हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे ही यहाँ पे अपने को एक बेडरूम मिल जाता है, क्योंकि गेस्ट बेडरूम आप कह सकते हो, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो बेडरूम मिलता है उसको आप गेस्ट बेडरूम भी कह सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जहाँ पे आपको प्रीमियम वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है, काफ़ी स्पेशियस बेडरूम का साइज है, यूपीवीसी सेक्शन डोर मिल जाता है आपके बैकयार्ड की एक्सेस के लिए, आप देख सकते हैं, विद टफन ग्लासेस, देन फॉल सीलिंग कंप्लीट मिलती है, लाइट फैन एसी, अगेन रिपीट करना चाहूँगा, हर एक पार्ट के अंदर आपको मिलेगा इस घर के। और उसके साथ में ही आपको प्री इंस्टॉल अलमीरा दी जा रही है, कवर्ड दी जा रही है, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। देन इसके साथ में ही हमारा आता है अटैच वॉशरूम। जी हाँ, काफ़ी स्पेशियस अटैच वॉशरूम आपको यहाँ पर मिलने वाला है, आप देख सकते हैं, कंप्लीट सैनिटरी फिटिंग्स के साथ एंटीस की टाइलिंग आ जाएगी, वॉल टू वॉल टाइल वर्क आ जाएगा, गीजर आपको प्री इंस्टॉल मिलने वाला है,
फैन यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल करके दिया जा रहा है, लाइटिंग काफी अट्रैक्टिव लगाई गई है और साथ में वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। तो एक कंप्लीट अटैच वॉशरूम आपको साथ में मिलने वाला है। तो गाइस अभी हमने देखा हमारा ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम जिसको गेस्ट बेडरूम कहते हैं हम लोग। तो आइए चलते हैं हमारे मेन बेडरूम की तरफ जो कि फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाले हैं। तो आइए फर्स्ट फ्लोर के ऊपर चलते हैं। तो गाइस फर्स्ट फ्लोर के एक्सेस के लिए जैसे पहले ही बताया स्टेयरकेस दी गई है प्रॉपर, यहाँ पे आपको टफंड ग्लास के साथ रेलिंग मिलने वाली है स्टेनलेस स्टील के साथ, देन इटालियन मार्बल के साथ ही सारी फिनिशिंग मिलेगी आपको इन स्टेयर्स की। तो गाइस जैसे भी हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ स्टेयरकेस के साथ में भी आपको काफ़ी अच्छी विंडोज मिल रही हैं जो कि यहाँ पे पूरी लाइटिंग आपको प्रोवाइड करवा रही है। देन फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जैसे ही हम अप्रोच करते हैं, हमने स्टेयरकेस से अप्रोच की, अगर हम लिफ्ट से आते तो हम इस लिफ्ट लॉबी के अंदर एंटर करते यहाँ से, देन लिफ्ट लॉबी के साथ में सबसे पहले आपको UPVC सेक्शन डोर्स के साथ मिल जाती है फ्रंट बालकनी। जी हाँ फ्रंट बालकनी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी फ्रंट बालकनी आपको मिल जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मान के चलिए 8 फीट वाइड ऐसे आप कह सकते हो, देन लेंथ में काफ़ी ज़्यादा बड़ी ये बालकनी यहाँ पे 6 फीट की आ जाती है। और यहाँ पे ये हमारे इस बेडरूम के साथ भी अटैच रहेगी जो कि नेक्स्ट आपको शो करेंगे हम। यहाँ पे टेक्सचर पेंट आपको मिल जाएगा सारी वॉल्स के ऊपर, कॉमन फर्स्ट फ्रंट फसाड के ऊपर। देन आइए आगे चलते हैं। तो गाइस लिफ्ट लॉबी और फ्रंट बालकनी के बाद अगेन स्टेयरकेस को क्रॉस करते हुए हम चलते हैं हमारे मेन एंट्री की तरफ फर्स्ट फ्लोर की। तो ये कॉमन एरिया दिया गया है आपको जहाँ पे डबल हाइट की एंट्रेंस मैंने आपको नीचे से शो की थी, यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रिलिंग दी गई है टफंड ग्लास के साथ, आपको नेचुरल लाइटिंग के लिए टफंड विंडो मिल जाती है, देन कंप्लीट विला के अंदर फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे मिलती है। उसके साथ में ही यहाँ पे आप अपना फैमिली लॉन्च अगेन यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, पर्सनल फैमिली लॉन्च आप कह सकते हैं। देन बैक वॉल बालकनी है जो कि आपको बाद में शो करेंगे, सबसे पहले चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। उससे पहले मैं शो करना चाहूँगा ऊपर आपको यहाँ पे एक पेंट्री मिल जाती है। जी हाँ नीचे आपको कंप्लीट मॉडुलर किचन दी गई है, ऊपर पेंट्री दी गई है कि अगर आपकी फैमिली फर्स्ट फ्लोर पर रह रही है चाय कॉफ़ी कुछ भी बनाना चाहते हैं आप तो आप यहाँ पर ईजिली अपना सारा काम कर सकेंगे। देन आइए फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे गाइस एंट्रेंस के साथ में ही हमारा सबसे पहले आता है अटैच वॉशरूम यहाँ पे। जी हाँ अटैच वॉशरूम, वाओ काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम आपको देखने को मिलेगा। एंट्रेंस की टाइलिंग के साथ वॉल टू वॉल आपको टाइलिंग मिल जाएगी, शावर काफ़ी अच्छा इंस्टॉल किया गया है, यहाँ पे भी आपको लाइट फैन गीजर सभी इक्विपमेंट्स आपको साथ में मिलने वाले, सैनिटरी फिटिंग्स टॉप ब्रांड्स की यूज़ की गई है, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे भी आपको प्रॉपर प्रोविज़न मिल जाता है। तो एक कंप्लीट अटैच वॉशरूम यहाँ पे अपने को साथ में मिल जाता है इस मास्टर बेडरूम के, मास्टर वॉशरूम आप इसको कह सकते हैं। देन जैसे ही गाइस वॉशरूम से नेक्स्ट चलते हैं तो हम आ जाते हैं हमारे मेन बेडरूम स्पेस की तरफ जो कि काफ़ी स्पेशियस आपको स्पेस मिलने वाली है, प्रीमियम वुडन फ्लोरिंग के साथ आपको यहाँ भी मिल जाती है। और आप देख सकते हैं मास्टर बेडरूम की मास्टर अलमीरा, जी हाँ कंप्लीट मास्टर बेडरूम की मास्टर अलमीरा आपको यहाँ पे मिलने वाली है जो कि स्लाइडर अलमीरा रहने वाली है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। देन गाइस यहाँ पे भी कंप्लीट फोर सीलिंग लाइटिंग फैन एसी आपको सब कुछ दिया जा रहा है। और फ्रंट बालकनी जो भी हमने सबसे पहले देखी थी फर्स्ट फ्लोर की, डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है UPVC सेक्शन डोर के थ्रू यहाँ से अपने को। सो गाइस मास्टर विला का मास्टर बेडरूम और मास्टर वॉशरूम अभी हमने देखा, होपफुली आपको विला बहुत पसंद आ रहा होगा, आप इसको लेना जरूर चाहेंगे। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्दी हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए, जल्दी साइट विजिट प्लान कीजिए, देन बेस्ट डील प्रोवाइड करवाने की आपको हमेशा की तरह कोशिश करेंगे। जैसे अभी लास्ट वीडियो में हमने आपको मैक्स फेस वन में ही एक 365 गज का विला शो किया था ईस्ट फिटिंग, जी हाँ उसी कैटेगरी के अंदर आप इस विला को भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि लग्जरियस विला ही हम आपके लिए लेके आने की कोशिश करते हैं। देन गाइस इसके बिल्कुल ओपोजिट आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। सो गाइस अभी हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम के अंदर, अगेन वुडन फ्लोरिंग
लाइट फैन एसी कंप्लीट यहाँ पे मिलने वाला है फोर सीलिंग के साथ। यहाँ पे भी अटैच इनबिल्ट आपको अलमीरा मिल जाती है, सेम कवर मिल जाती है। देन उसके साथ में ही आपको शो करना चाहूँगा काफ़ी अच्छे सेक्शन डोर यूपीवीसी के साथ आपको दिए गए हैं, और साथ में अपने को एक्सेस आया था बैक बालकनी का। जी हाँ, बैक बालकनी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 8 फीट के करीब आपको ये बालकनी मिल जाती है जो कि लेंथ वाइज काफ़ी वाइड है। देन यहाँ से जैसे मैंने बताया था कनेक्टिविटीज बहुत अच्छी हैं, पार्क जो नेचर पार्क कहा जाता है फेस वन का सबसे बड़ा पार्क आप कह सकते हो, वो यहाँ से हार्डली 250-300 फीट की डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा। देन क्लब हाउस की अप्रोच बहुत अच्छी है, मार्केट की अप्रोच बहुत अच्छी है, ईस्ट फेसिंग एज पर वास्तु विला आपको ये मिल जाएगा। आइए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अटैच वॉशरूम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस अगेन यहाँ पे वॉशरूम दिया गया है। एंटीज की टाइलिंग आ जाएगी, वॉल टू वॉल टाइल वर्क आ जाएगा। उसके अलावा गीजर आपको प्री इंस्टॉल्ड है, फैन प्री इंस्टॉल्ड है, लाइटिंग वर्क काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। कंप्लीट वॉशरूम अगेन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो गाइस इस थर्ड बेडरूम के बाद हम चलते हैं हमारे फोर्थ बेडरूम की तरफ। जी हाँ, जैसे ये आपको बताया था फैमिली लॉन्ज यहाँ पे आप इजीली सेटअप कर पाएंगे। देन फोर्थ बेडरूम आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं, ये इसको आप किड्स बेडरूम भी कह सकते हैं। आपको यहाँ पे मिलने वाला है वुडन फ्लोरिंग के साथ, डायरेक्ट एक्सेस आ जाएगी अपनी बैक बालकनी के साथ। कंप्लीट आपको एसी, लाइट फैन और फोर सीलिंग मिलने वाली है। अटैच वॉशरूम अगेन यहाँ पे दिया गया है, सेम एंटी स्किड टाइलिंग आ जाएगी, वॉल टू वॉल टाइल वर्क, वेंटिलेशन का प्रोविजन, टॉप ब्रांड्स सैनिटरी फिटिंग्स आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल मिलने वाली है। तो गाइस ये थे हमारे इस विला के बेडरूम्स। अभी चलते हैं आपको हम टेरेस की ओर लेके, क्योंकि टेरेस अमेजिंग टेरेस रहने वाला है, काफ़ी स्पेशियस क्योंकि 400 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, तो उसी हिसाब से यहाँ का टेरेस भी रहने वाला है। डायरेक्ट हम एक्सेस लेते हैं हमारे स्टेयरकेस से। सो गाइस जैसे भी हम आ गए हमारे सेकंड फ्लोर की तरफ, जी हाँ जहाँ पे हम आपको टेरेस शो करेंगे, उससे पहले शो करना चाहूँगा लिफ्ट लॉबी अगेन। जैसे घर में पेरेंट्स ने पहले ही बताया था कि वो छत का मजा लेना चाहते हैं, छत के ऊपर बैठना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं सर्दियों में धूप के लिए, देन वो ईजिली लिफ्ट का एक्सेस ले सकेंगे यहाँ से। देन हम चलते हैं हमारे टेरेस की तरफ। सो गाइस अभी हम आगे हमारे टेरेस की तरफ, आप देख सकते हैं एक अमेजिंग टेरेस रहने वाला है, काफी ज्यादा स्पेशियस। जहाँ पे आप देख सकते हैं टाइल वर्क ऑलरेडी आपको मिलने वाला है, एंटी स्किड टाइल वर्क आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आप इजिली गैदरिंग कर सकते हैं, 50-60 लोगों की पार्टी अरेंज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप कोई टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, लाइक कोई ग्लास हाउस बनाना चाहते हैं, कोई स्टोर बनाना चाहते हैं, तो इजिली बहुत ज़्यादा स्पेस है, आप इजिली बना पाएंगे। सो गाइस अगर हम बात करते हैं अगेन इस विला के बारे में, 400 गज का विला जैसे आपको शो किया, 400 स्क्वायर यार्ड का विला है, 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट रूम प्लस लिफ्ट के साथ ही आपको मिलने वाला है। जस्ट आपने अपना फर्नीचर लेके आना है, बाकी सब कुछ आपको प्री प्लान्ड मिल रहा है यहाँ पे। और अगर बात करते हैं अगेन लोकेशन की, लोकेशन बहुत प्राइम है क्योंकि ईस्ट फेसिंग है एज पर वास्तु है। बैक साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पार्क मिल जाता है आपको, बिल्कुल एक प्लॉट छोड़ के बैक साइड में आपको काफ़ी अच्छा पार्क मिलने वाला है। देन यहाँ पे 250-300 मीटर के डिस्टेंस पे आपको नेचर पार्क मिलने वाला है, जो कि सबसे बड़ा पार्क कह सकते हैं फेस वन न्यू चंडीगढ़ ओमैक्स का। तो गाइस ओमैक्स फेस वन एक प्राइम लोकेशन है पूरे न्यू चंडीगढ़ के अंदर। यहाँ पे हर किसी का सपना होता है कि मेरा घर होना चाहिए, ठीक है, तो उसी के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी ये एड ऑन कर सकते हैं, आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो अगर आपका प्रॉपर्टी लेने का प्लान है तो यहाँ पे हम आपको कुछ फ्लोर्स की ऑप्शन भी दे देंगे, लाइक ग्राउंड पे पार्किंग, ऊपर 4 मंजिल फ्लोर्स चाहिए आपको, वो भी हम आपको विद लिफ्ट प्रोवाइड करवा देंगे। उसमें कुछ ईजी पेमेंट प्लान के साथ भी हमारे पास कुछ बुकिंग्स होती हैं। तो गाइस अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं न्यू चंडीगढ़ में, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको हमेशा की तरह बेस्ट डील बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू सो मच।